आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रालय, भाई जरा मार्केट्स लेकर आए क्योंकि एकाएक मार्केट्स के अंदर एक बड़ा ड्रॉप आया है। स्पेशली निफ्टी बैंक जो कि थोड़ी पहले हरे निशान में था वह बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। निफ्टी करीब करीब 70 अंक ऊपर है, 22712 के जोन्स में। सेंसेक्स भी करीब 299 अंक ऊपर है, तो फ्लैट हो गया निफ्टी बैंक। निफ्टी हायर लेवल से थोड़ा कम हुआ है, सेंसेक्स भी करीब करीब अब 300 अंक ऊपर है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 0.5% की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन हायर लेवल से थोड़ी सी ईज ऑफ मार्केट्स के अंदर जरूर होते हुए दिखाई पड़े हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट है कल ऑटो सेल्स के नंबर्स, और उन नंबर्स पर हम और डिटेल लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं हर बार की तरह ये बताने के लिए कि कैसे रहेंगे ऑटो सेल्स के नंबर्स। तो यतिन, आज ऑटो में एक अच्छा खासा बस तो है, क्या अनुमान लगाकर चले हम? तो ये टाइम एक्सपेक्ट कीजिए कि अप्रैल का महीना कोई खास नहीं रहने वाला है ऑटो कंपनीज के लिए। खास करके ग्रोथ की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल और अगर हम बात करें फोर व्हीलर्स की तो सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगी। हालांकि क्योंकि मैरिज सीजन थी, नवरात्रे थे नॉर्थ इंडिया में, तो कहीं ना कहीं टू व्हीलर की बिक्री जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको ग्रो होती हुई नज़र पड़ेगी। शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ, और अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 6-6.5% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। बिक्री लगभग 14,000 यूनिट्स के आसपास आकी जा रही है। टाटा मोटर्स की बात करें तो 75,000 यूनिट्स से थोड़ी ज़्यादा की बिक्री यहाँ होगी, और 10% का ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जो नए लॉन्चेस हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये बल्क ऑफ द ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। जहाँ तक कि फोर व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, मारुति नए मॉडल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, वेटिंग पीरियड नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे 8% की ग्रोथ। M&M ऑटोमोटिव सेगमेंट में 11% की ग्रोथ दिखेगी क्योंकि XUV और स्कॉर्पियो की मांग में बढ़ोतरी आई और प्रोडक्शन भी इंप्रूव हुआ है। हालांकि क्योंकि इलेक्शन सीजन है, अप्रैल का महीना लीन होता है, ट्रैक्टर सेल्स एक्सपेक्टेड रहेंगी फ्लैट, तो कोई बड़ी ग्रोथ यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा, टू व्हीलर स्पेस मैरिज सीजन की वजह से बहुत अच्छा यहाँ प्रभाव देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो में 10% की ग्रोथ, अगर आप देखें रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स यहाँ लगभग 10% का ग्रोथ, और 10-15% का ग्रोथ, और हीरो मोटोकॉप 28% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए क्योंकि पिछले साल का बेस भी छोटा है और इस टाइम बिक्री 5 लाख यूनिट्स के पार होने की संभावना है। और TVS मोटर्स की भी बात करें तो लगभग 20% के आसपास बिक्री बढ़ने का अनुमान है। तो ऑटो सेल्स के नंबर्स आप सुन रहे थे यतिन से, और किस तरह का अनुमान इस भाई लगा कर चला जाए। लेकिन नंबर से पहले बहुत बहुत शुक्रिया यतिन तमाम डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन नंबर से पहले आज एस्कॉर्ट्स और M&M इन दोनों में एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। रूपक, M&M और एस्कॉर्ट्स क्या करें इन दोनों में? जी, M&M तो एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, और जो क्रिटिकल मूविंग एवरेज 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहा है। तो M&M में बाइंग पोजीशन बना के रखना चाहिए। रिसेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद जो रैली, जो टारगेट लेके आएगा वो बन रहा है 2300, और सपोर्ट बन रहा है 2100, तो 21 के सपोर्ट में लेना चाहिए। एस्कॉर्ट के लिए मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत एक बार डिप मिले टूवर्ड्स 3300 के आसपास डिप मिले तो बाय करना चाहिए। 32 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 3500 तक जाना चाहिए। जी, तो एस्कॉर्ट्स और M&M दोनों आज बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं नंबर से ठीक पहले। बहुत बहुत शुक्रिया रूपक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले वही खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है। और इस वीक में जो हमारे साथ खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें सोनी पटनायक की तरफ से IGL में उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक किया है। 520 के टारगेट से 458 का स्टॉप लॉस था और प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक करते हुए सोनी दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा सोनी ने ही आदित्य बिरला कैपिटल में एक सेल कॉल इनिशिएट की थी, वहाँ पर भी अपने प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं करीब 277। यहाँ पर ये जो प्राइस है वो थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पर वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। अपोलो टायर से वो एग्जिट कर गए हैं पंकज, करीब 512 के टारगेट, 512 के लेवल्स पे 509 का मौजूदा स्तर है, 565 के टारगेट से वहाँ पर वो प्रॉफिट्स में अपने बुक कर चुके हैं। इसके अलावा पंकज की तरफ से सिटी यूनियन बैंक, जहाँ पर उन्होंने अपनी नई बाय कॉल इनिशिएट की है 175 रुपये के टारगेट्स के लिए, 155 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं, 161 के आसपास का मौजूदा स्तर है। हरीश की तरफ से CH में एक बाय कॉल इनिशिएट हुई है नंबर से पहले, करीब 2800 के टारगेट्स के लिए,
2510 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं और 2611 का मौजूदा स्तर है। और PFC नंबर से पहले ये भी 444 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बाय साइड पे कॉल थी, उसमें प्रॉफिट्स को बुक कर लिया 512 के लेवल्स पर। रिटर्न वाइज सोफार सोनी लीड कर रही है, 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न है, पंकज की तरफ से करीब 4% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है और 1.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न हरीश की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सोफार सोनी लीड कर रही है, लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर कैसे कामकाज होता है। ब्रेक का वक्त है लेकिन ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में हम बातचीत करेंगे आज, क्योंकि खास तौर से अर्निंग सीजन चल रहा है, एक्सपेंशन प्लान्स भी चल रहे हैं, तो अर्निंग्स को लेकर और एक्सपेंशन प्लान को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है आयरेडा की मैनेजमेंट की तरफ से। प्रदीप कुमार दास हमारे साथ मौजूद रहेंगे नो योर कंपनी में, कंपनी के चेयरमैन। महारत्ना स्टेटस मिलने के बाद अब किस तरह की डिटेल्स हैं, इन सब पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।